भारत दौरे पर आई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज पीएम मोदी से मिलेंगी। आज भारत बांग्लादेश के बीच परमाणु रक्षा सहयोग समेत 25 समझौतों की उम्मीद है। हालांकि दोनों देशों में तीस्ता नदी जल बंटवारे पर समझौते की उम्मीद कम है। बांग्लादेश को पानी देने पर ममता सरकार का रुख अब भी साफ नहीं है। कल पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर बिना काफिले के सिर्फ एसपीजी के साथ बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना का स्वागत करने दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान न ट्रैफिक रोका गया न रूट डाइवर्ट किए गए। आज जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रधानमंत्री मोदी के साथ लंच करेगी तो उसमें ममता बनर्जी भी शामिल होगी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच तीस्ता के मुद्दे पर एक बार फिर से बात हो। शाम को ममता बनर्जी शेख हसीना के लिए राष्ट्रपति भवन में होने वाले विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। कल रात दिल्ली पहुंचने पर ममता बनर्जी ने शेख हसीना के लिए एक तोहफा भी भेजा था। आज लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी मुलाकात करेंगे। इस बैठक में वक्फ की जमीनों को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है, जिसमें धांधली को लेकर आजम खान फंसे नजर आ रहे हैं। वहीं आज आदित्यनाथ गंगा नदी को लेकर केंद्रीय जल संसाधन एवं गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती से भी मिलेंगे। यूपी सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की लूट खसोट पर नकेल डालने के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी कर ली है। मनमानी फीस बढ़ोतरी का विरोध करने पर 45 बच्चों का नाम काटने वाले ग्रेटर नोएडा सेक्टर 132 के डीपीएस स्कूल को नोटिस जारी किया गया है। जी न्यूज के कार्यक्रम ताल ठोके में योगी सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। और अभी आपने ट्रेलर देखा है तो मनमानी उत्तर प्रदेश में किसी की चलने वाली नहीं है। जो उघाई करते हैं स्कूलों के नाम पर, प्राइवेट स्कूलों के नाम पर, वो उघाई बंद होगी। फीस बढ़ोतरी पर लगाम लगाने के लिए अध्यादेश का मसौदा तैयार है। योगी कैबिनेट 11 अप्रैल को इस पर फैसला ले सकती है। वहीं यूपी के स्कूलों में पढ़ाई के साथ योग शिक्षा भी अब जरूरी होगी। योगी सरकार ने लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग भी अनिवार्य कर दी है। यूपी में मायावती और अखिलेश सरकार के दौरान बेची गई चीनी मिलों की जांच की जाएगी। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि चीनी मिलों को क्यों बेचा गया, इसकी पड़ताल होगी और जरूरत पड़ने पर सीबीआई जांच भी कराई जा सकती है। यूपी में अयोध्या से चित्रकूट तक 220 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। 220 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का नाम रामपथ रखा जाएगा। ये एक्सप्रेसवे यूपी के 7 जिलों को जोड़ेगा। चुनाव आयोग की जांच में मध्य प्रदेश के भिंड में ईवीएम और वीवीपैट मशीन के डेमो में कुछ भी गड़बड़ी या छेड़छाड़ की बात नहीं मिली है। कल होने वाले उपचुनाव में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम मशीनों के डेमो के दौरान आरोप लगाए गए थे कि अलग अलग बटन दबाने के बावजूद सिर्फ कमल निशान वाली पर्ची निकली थी। इस फर्जी खबर को आधार बनाकर दिल्ली की सीएम अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग में ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत की थी। हालांकि जी न्यूज ने उसी वक्त आपको दिखाया था कि आरोप गलत थे। मध्य प्रदेश की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सलीना सिंह ने जी न्यूज को बताया था कि डेमो के दौरान अलग अलग पर्चियां निकली थी। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ के बाद टीएमसी सांसद डोला सेन पर एयर इंडिया स्टाफ से बदतमीजी का आरोप लगा है। आरोप है कि अपनी मां के साथ कोलकाता से दिल्ली आ रही डोला सेन ने एयर इंडिया के फ्लाइट में जमकर हंगामा किया, क्योंकि एयर इंडिया स्टाफ ने विमान के इमरजेंसी गेट से उनकी बुजुर्ग मां को हटाने को कहा था। वहीं एयर इंडिया ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय की चिट्ठी मिलने पर शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ पर लगा बैन हटा दिया है। दक्षिण भारतीयों के खिलाफ नस्लीय टिप्पणी पर बीजेपी नेता तरुण विजय ने माफी मांग ली है। तरुण विजय ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा था कि भारतीयों को नस्ल भेदी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहां लोग दक्षिणी राज्यों के अश्वेत लोगों के साथ रहते हैं। तरुण विजय ने यह बयान ग्रेटर नोएडा में अफ्रीकी छात्रों पर हमले की घटना को लेकर दिया था। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक ट्रक कई लोगों को रौंदते हुए एक डिपार्टमेंटल स्टोर में घुस गया। इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि कई घायल हैं। चश्मदीदों के मुताबिक इसके बाद वहां फायरिंग भी हुई। स्वीडन के प्रधानमंत्री के मुताबिक अब तक यह आतंकी हमला लग रहा है। मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार भी किया गया है। हमले की जगह से भारतीय दूतावास सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है। घटना में कोई भारतीय हताहत नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में भारत स्वीडन के साथ है।